हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर चलेंगे जहां पर आप बहुत सारी कंपनियों के ऑनलाइन सर्विस को कंप्लीट करके एक अच्छे अमाउंट में अपनी अर्निंग कर पाएंगे। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि सर्वे क्या होते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि सर्वे बेसिकली आपके सजेशंस होते हैं, आपकी पर्सनल थिंकिंग होती है, आपकी व्यक्तिगत राय होती है जो कंपनियां आपसे जानना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। जब भी कोई कंपनी मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो लॉन्च करने से पहले वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों से उनकी व्यक्तिगत राय को जानना चाहती है, जिससे वह लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके मार्केट में लॉन्च करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आए और कंपनी को प्रॉफिट हो सके। तो कंपनी सर्वे करवाने के लिए कंसल्टेंसी या किसी ऑथोराइज वेबसाइट को हायर करती है। अगर ऑफलाइन सर्वे करवाना है तो वो कंसल्टेंसी को हायर करती है, और अगर ऑनलाइन सर्वे करवाना है तो वो वेबसाइट को हायर करती है, जिन्हें काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसे भी पे करती है। फिर वो वेबसाइट लोगों को सर्वे कंप्लीट करने के लिए पैसे देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर सर्वे को कंप्लीट कर सके। अब जिस वेबसाइट पर हम जाके सर्वे कंप्लीट करने वाले हैं, उस वेबसाइट का नाम है axelonlinesurvey.com। ये सर्वे की फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रही है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस काम को आप चाहे तो अपने मोबाइल या लैपटॉप, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, उसे कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे, वो सर्वे कैसे कंप्लीट करते हैं ये भी जानेंगे, और एक और तरीका मैं आगे आपको बताऊँगा जिससे आप अपनी अर्निंग और बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आने वाली आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद आपका अकाउंट जो है यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो जल्दी से हम अपनी डिटेल को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और कैप्चा पे टिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जल्दी से मैं ये डिटेल फिल कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दूँगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे एक्टिवेशन कोड यानी आपके ईमेल पे यहाँ पे एक कोड गया होगा, ओटीपी गया होगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी गया होगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए ये ओटीपी यहाँ पे डालना होगा, दोनों ओटीपी। मैं जल्दी से यहाँ पे ओटीपी डाल के अकाउंट को एक्टिवेट कर लूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगा। एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी खुलकर हमारे सामने आई है। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको आई एग्री पे टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा यूजर डिटेल्स का। यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जो है फिल करनी है। आपको यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी लोकेशन जो है यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना नाम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जल्दी से मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आपको व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको व्हाट इज़ योर जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स फिल कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपसे आपकी लोकेशन पूछी जाएगी। अब मैं यहाँ पे लोकेशन जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है वेलकम टू एक्सेल ऑनलाइन सर्विस और गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है। तो हम जल्दी से इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी साइट है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस साइट पर साइनअप करते हैं तो आपको 15 पॉइंट इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको अगर डैशबोर्ड के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बताऊँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल सर्वे दिया हुआ है जो कि 2 मिनट का है। अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो और भी आपके जो सर्वेज हैं वो खुल जाएंगे जो लॉक्ड हैं अभी। अभी आपको सबसे पहले ये कंप्लीट करना होगा। और चलता हूँ मैं आपको यहाँ पे सर्वेज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो सर्वे है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्वे वॉल और सर्वे लिस्ट। यहाँ पर भी आप क्लिक करते हो तो आपको सर्वे के ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप प्रोफाइल सर्वे कंप्लीट करोगे तभी यहाँ पे आपको सर्वे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी आपको सर्वे शो नहीं होंगे, इस सर्वे लिस्ट में भी आपको सर्वे शो नहीं होंगे। आपको सबसे पहले प्रोफाइल सर्वे कंप्लीट करना होगा, फिर ये जाके सर्वे यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हो, सर्वे हिस्ट्री में जाके जो भी सर्विस आपने कंप्लीट किए हैं उसे देख सकते हो। और यहाँ पे एक और जो मैंने बताया था कि आप एक और मेथड में इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप अपनी अर्निंग को और बढ़ा सकते हो, तो वहाँ पे आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिख रहा है। जहाँ पे आने के बाद आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हो अपने इनवाइट लिंक के थ्रू या अपने रेफरल
कोड के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप पेस्ट करके कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक्टिव होते हो वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जितने ज़्यादा लोग आपके लिंक से साइनअप करेंगे आपको बोनस मिलेगा, और ऊपर से वो जो भी काम करेंगे उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट जो आपको मिलता रहेगा। ये मेथड भी आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आप रिडेम्पशन का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे आपको रिडेम्पशन हिस्ट्री, आपने जितने भी पैसे यहाँ पे रिडीम किए हैं, पॉइंट्स जो रिडीम किए हैं वो आपको दिख जाएंगे। ऐड रिडेम्पशन में जाके आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर पाओगे। यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन आता है और गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन आता है। तो पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप पेटीएम वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली अपना पेटीएम नंबर डालना होता है और बस। और मिनिमम जो पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वो 100 होने चाहिए। 100 पॉइंट आप मिनिमम रिडीम कर सकते हो, यानी कि एक पॉइंट जो है आपका 1 रुपये के बराबर है। तो 100 पॉइंट्स इक्वल टू 100 रुपीज़ के बराबर आपका ये होगा। तो 100 रुपीज़ आप यहाँ से मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो। और वो यहाँ पे लिखा है 100 के मल्टीपल्स में, यानी कि 100, 200, 300, यानी कि 150, 170 ऐसे आप रिडीम नहीं कर पाओगे। 100 के मल्टीपल्स में ही आप पॉइंट्स जो है उनको रिडीम कर पाओगे। यहाँ पे मेरे अकाउंट में भी 15 पॉइंट्स हैं, मैंने ये नया अकाउंट आपको बना के दिखाया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है साइट को लेकर, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पे साइट पे ईमेल करके अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रोफाइल सर्वे पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, उसे कंप्लीट करके आप कैसे अर्निंग कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप नीचे आपको कुछ सर्वे देखने को मिल रहे होंगे। तो इस सर्वे के जो पॉइंट्स है आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये सर्वे अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 21 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 21 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पे आपको 14, 14, 21, 21 आप देख सकते हो, इतने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफाइल सर्वे के ऑप्शन में, जो कि 2 मिनट का है, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपसे प्रोफाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछेंगे, तो आपसे बेसिकली आपसे जिप कोड पूछा जा रहा है, तो मैं जल्दी से इसे फिल कर दूंगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर करंट एजुकेशन लेवल। तो आपने जो आपकी एजुकेशन डिग्री है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है कि आपने 10th, 12th या फिर कुछ भी करा हो, यहाँ पे आप कुछ भी अपने एजुकेशन के हिसाब से फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आगे मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ लेट अस नो योर ऑक्यूपेशन। आपका ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय है, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो, आप किसी सर्विस से रिटायर्ड हो, जो भी हो, मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जैसे आप अगले क्वेश्चन पे आओगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्लीज़ इंडिकेट योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हो, मैरिड, अनमैरिड हो, मैरिड, डाइवोर्स हो, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं मैरिड हो तो मैरिड पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आप अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ योर एनुअल हाउसहोल्ड इनकम। आपके घर की जो एनुअल इनकम है वो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। स्मोक तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दिस सर्वे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली को पार्ट टाइम अर्निंग करने में मदद कर सकता है? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा, उसके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेगा, और कहीं ना कहीं इससे मेरा भी मैसेज जो है जो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।